you are beautiful. I'm beautiful. Oh, wow. Good. Handsome. He is handsome, no? वियतनाम की मार्केट के दिन दहाड़े बंदा अपने कपड़े उतारता हुआ। ये पहले इसका 3.5 लाख मांग रहे थे, साढ़े अभी 50,000 रुपए मांग गए, 50,000 होते हैं 160, क्योंकि 160 ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज अनस खान एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद एके। तो हम चल रहे हैं हो ची मिन्ह सिटी के स्ट्रीट्स पे और आज का प्लान है हम जा रहे हैं बेन थैन मार्केट, जो कि हो ची मिन्ह सिटी की सबसे मेन मार्केट है और यहाँ से अराउंड 500 मीटर है। तो चलते हैं, आज एक्सप्लोर करेंगे पूरी मार्केट, आपको दिखाऊंगा। वहाँ सारी चीज़ें मिलती है, सारी टाइप की चीज़ें मिलती है, जैसे आपको सुवीनियर लेने आप वहाँ वो ले सकते हो, वियतनामी हैट मिलती है और कपड़े भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं और खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो चलते हैं वहाँ मार्केट में, आपसे मिलते हैं मार्केट में। तो मार्केट पहुँचने से पहले ही एक आदमी यहाँ सनग्लासेस बेच रहा था। भाई ये बोल रहा है 3,50,000। 3,50,000 कितने होते हैं? $15। एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव मैन। 15 डॉलर बोल रहा है तकरीबन। 1,200 रुपये का चश्मा जो 100 रुपये का मिलता है इंडिया में। तो भाई बेन थैन मार्केट से जस्ट पहले आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है, यहाँ आप रेंट कर सकते हो साइकिल। और एक स्पेशल चीज़ इसमें ये है, इसका आप टायर देखिए भाई, ये टायर पंचर होना ही नहीं है, ऐसे टाइप का टायर लगाए हैं जो पंचर ही नहीं होगा, देखिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको कैसे रेंट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन है क्या रेंट करने के लिए? कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, टेंगो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करके देखते हैं, अगर होता तो हम भी लेंगे, देखेंगे कितना, कितने की होगी, सस्ती होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी। 94%। अच्छा, ये साइकिल की डिटेल आ गई, स्कैन किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो ये बैटरी वाली साइकिल है, ये आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक साइकिल है तो ज़्यादा पेंडल मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसी चलेगी। एक दिन का 50,000 है, एक दिन का 50,000 तो बड़ा सही है। $2 लेकिन दो से ज़्यादा हुआ, 46,000 हुआ ना, $2। हाँ तो भाई सस्ती है, $2.5 के लिए भाई 150 रुपये की आप पूरा दिन के लिए साइकिल रेंट कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक साइकिल आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। और यहाँ लेकिन रूट लिखा हुआ, यहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? 400 मिनट तक चला सकते हैं, 450 मिनट तक चला सकते हैं। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या कि रूट लिखा है कि कहाँ कहाँ जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते? इन्होंने अपने बताए हुए हैं कि कहाँ पर दोबारा खड़ी कर सकते साइकिल। अच्छा अच्छा, स्टैंड मतलब और कहाँ मिलेंगे, लिया जाए, हमको लिया जाए, ले लेते हैं। तो हम प्लान कैंसिल कर दिए, साइकिल नहीं ले रहे, क्योंकि सामने ही है बेन थैन मार्केट, यहाँ से 300 मीटर है, देख सकते हो आप। वो रही बेन थैन मार्केट, ये जो एरिया है वही है मार्केट। तो उसके बाद हम लोग मार्केट में अराउंड 2 से 3-4 घंटा तो जाए गई, तो साइकिल कहाँ खड़ी करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाद में हम कभी मौका मिले तो बाद में रेंट करेंगे, अभी चलते हैं चल चल के। और यहाँ भी देख सकते हो थोड़ी थोड़ी मार्केट्स लगी हुई है, लेकिन हमको जाना है मेन मार्केट में, वो जो देख रहे हो आप यही है मार्केट। और यहाँ बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो ये है बेन थैन मार्केट और उसके जस्ट सामने हम यहाँ बैठे हैं। मार्केट जाने से पहले हम थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं। तो ये एक छोटी सी कॉफ़ी की स्टॉल जैसा है, ठेला है, कॉफ़ी का छोटा सा ठेला है। और यहाँ छोटी छोटी चेयर रखी हुई है और ये है बेन थैन मार्केट। और वहाँ से आप देख सकते हो वो एंट्रेंस है, ये पीछे वाली एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पीछे साइड है। ये देखो जूते पॉलिश वाले, जूता पॉलिश करवाना है? नहीं, मैं तो जूता ही नहीं पहना इसलिए। तो अभी थोड़ा बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद अंदर चलेंगे। No, I want only one. Okay, कैसे लग रहा है भाई? No, बढ़िया लग रहा है। इसका बोल रहे हैं भाई 700-800 रुपया, इंडिया में 100 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का। अभी देखते कितने यहाँ करते हैं। यू हैव चीप वन, चीप मोर चीप, चीप इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, 30,000-20,000। नो, लास्ट आई No.
मैंने बोला भाई 50,000 में मैं ले लूँगा, 50,000 होते हैं लगभग 160 रुपया, मतलब ठीक है 160 ठीक है, नो 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 50 ओनली 50 नो 50 नो 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 50 50,000 में तैयार हो गई है, 50,000 में तैयार हो गए देने, लेकिन दिस इज लिटिल बिग, आई वांट लिटिल स्मॉल, दिस बिग आई वांट स्मॉल। देखना कितने मांगे थे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कितने बोले थे, 3,50,000 रुपए आ गए। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ये देखिए ये पहले इसका 3.5 लाख मांग रहे थे, 3.5 लाख जो होते हैं अराउंड 1,200-1,300 रुपया, और अभी 50,000 रुपये मान गए, 50,000 होते हैं 160, क्योंकि 160 ठीक है, ठीक लग रहा है सिद्धू भाई, ठीक लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। हाँ बड़ा ठीक लग रहा है यार, बड़ा ठीक लग रहा है, 50,000 में ठीक है भाई, ओके थैंक यू। 50,000 ये भी बता दो भाई, 50,000 का, 50,000 का देखो ये लाइटर वैसे ही कलेक्शन के लिए ले लिया मैंने, क्योंकि आज तक ऐसा पहले लाइटर मैंने कभी देखा नहीं था, इसको पता क्या ऐसे निकालो और तो भाई ये 20,000 की दो नोट और एक 10,000 की नोट, इतना महंगा भाई, लो ओके 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 50,000 ओके थैंक यू, आई वांट टू ट्राई भाई, 50,000 में मिल गया चश्मा और सिद्धू भाई कुछ खरीद रहे हैं, ये पता नहीं है कैसे चलता है, तो हमारी कॉफी खत्म हो गई है और एक कॉफी थी 25,000 डोंग की, जो होते हैं तकरीबन 75 to 80 रुपीस होते हैं, तो पीछे वो कॉफी वाले सिद्धू भाई दे रहे अपना अपना पैसा, मेरे पास है 50,000 ठीक है ठीक है, आपके पास इंडिया फ्रॉम इंडिया वाइट बोल रहे हैं, वाइट तारीफ हो रही है, वाइट बोल रहे हैं, 75,000 हुए तीनों की कॉफी का, 5 लाख का सबसे बड़ा नोट है, 5 है फिर 2 लाख है फिर 1 लाख है, तो हम आ गए हैं बेंथेन, बेंथेन मार्केट के पीछे वाले गेट पे, मेन गेट ही वो पीछे पीछे तरफ है, ये पीछे वाला गेट है, मेन गेट आगे तरफ है, अब चलते हैं अंदर बेंथेन मार्केट में, तो स्टार्ट करते साथी भाई, आप देख सकते हो सारे फूल की दुकान है, तो भाई यहाँ की मार्केट की एक खास बात यह है कि यहाँ की जो दुकानदार है वो सारी लड़कियाँ हैं, आप देख सकते हो, देखिए पूरी जो दुकानदार है वो सारी लड़कियाँ ही हैं, हमारे इंडिया में कैसा होता है कि दुकान और ये सारी मार्केट में आपको आदमी मिलेंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा उल्टा है, मुश्किल से आपको कहीं कोई आदमी दिखा, नहीं तो पूरी मार्केट में चाहे वो चप्पल की दुकान हो, कपड़ा चाहे खाने पीने का, वहाँ सारी जगह आपको फीमेल ही दिखेंगे, आदमी तो मतलब ना के बराबर है यहाँ पे, तो हम घुसे हैं पीछे के रास्ते से, तो इसलिए यहाँ देख सकते हो सारे फ्रूट और इसके सेक्शन है, जहाँ से हम एंटर किए वो एग्ज़िट था, तो यहाँ खाने वाने का स्टॉल है और जो कपड़ा और बाकी सुवेनियर और जूते चप्पल जो उसका वो है दुकान है वो आगे की तरफ, तो हम वहाँ चलेंगे सबसे पहले, तो भाई अंदर आ गए, ये सुवेनियर सेक्शन है अपना बेंथेन मार्केट का, यहाँ आपको वियतनाम की झलक दिख जाएगी, आप देख सकते हो ये वियतनामी टोपी है ऐसी, और हर जगह आपको वियतनाम की झलक दिखी, जैसे देख सकते हो छोटी वाली टोपी जो फार्मर्स पहनते हैं, और यहाँ सारी सुवीनियर्स है, वी जस्ट लुकिंग विल बाय लेटर ओके ओके, तो यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत, ये देख सकते हो ऐसे चम्मच हैं और बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं, देखिए ये वियतनाम की टोपी इसमें भी है, तो यहाँ देखिए छोटे छोटे कितने अच्छे अच्छे सुवेनियर रखे हुए हैं, अगर आपको इंडिया लेके जाना है तो ये लेके जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रिज मैग्नेट है, यहाँ किचन है, और ये देखिए भाई, तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको अगर लेके जाना है, यहाँ देखिए इयर रिंग्स है लेडीज़ के लिए, तो काफ़ी सही सीन है, और यहाँ देखिए दुकानदार जो कि बताया आपको, यहाँ हर दुकानदार सिर्फ लेडीज़ मिलेंगे आपको, तो देख सकते हो यहाँ किचन रखे हुए हैं पूरे, और ये देखिए ये जो देख रहे हो आप गिलास, ये लकड़ी के हैं, ये गिलास और प्लेट जो हैं ये सारे लकड़ी के आइटम हैं, तो अब ये सेक्शन जो है आप देख रहे हो, यहाँ कैप्स और
कपड़े की मार्केट बहुत अच्छी है, शूज भी देख सकते हो कितने पूरी मार्केट लगी हुई है। तो हर्ष भाई देखते चलो अंदर, शूज देखते हैं आपके लिए, शूज खरीदेंगे भाई। शूज नहीं, सबसे पहले हमको वहाँ चलना है, टी शर्ट देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले टी शर्ट देखते हैं, देख सकते हो चप्पल टी शर्ट्स भरे पड़े हैं। ये देखिए चाइनीज कपड़े, देखिए ये तो सस्ती वाली चप्पल हो गई। हेलो 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 हेलो, व्हाट इज योर नेम? My name is Sue. Sue? Sue, you're so cute. Bye-bye, bye-bye. What design do you like? I want to buy 3 or 4 t-shirts. So, how much for this? Can I buy also? ये अच्छा नहीं है भाई साहब यार, ये वियतनाम का झंडा पड़ा है ना भाई, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। काफी अच्छा है, ठीक है ट्राई करके देखो फिर पता चलेगा। ऐसे तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ये वाली टी शर्ट। माय साइज, कलर बड़ा अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छी है। सेल्समैन लग रहे हो भाई। ये तो पिंक हो गई भाई एकदम। पिंक ले लो ना, क्या दिक्कत है? पहन सकते लड़के भी? हाँ तो लड़के पहन क्यों नहीं सकते, पिंक कलर में क्या दिक्कत है? कहाँ पे लिखा है लड़कियों के लिए होता है पिंक कलर? दिस इज फॉर मेन Men and women can wear also. Okay. You can price $80,000. तो भाई अगर ये ब्लू कलर में रहेगी तो अच्छी लगेगी। नहीं। डाल के देखो आप यहीं पे, ट्राई करके देखो। Can I try? Can. Don't worry. Come here and show me your six packs. मैं पेट आ गया है भाई। इसके ऊपर ही पहनो कि उतार के पहनो? उतार के पहनो, six packs दिखा दो भाई। समझ में नहीं आ रहे ना ऊपर से? नहीं समझ नहीं आ रहा ऊपर से, डोले दिखेंगे तभी समझ में आएगी। हाँ सिक्स पैक दिखाना भाई। वियतनाम की मार्केट के दिन दहाड़े बंदा अपने कपड़े उतारता हुआ। डू यू हैव मिरर? नहीं, ठीक लग रही है यार। हाँ? बढ़िया लग रही है। पिंक कलर जच रहा है भाई आप पे। क्या बात कर रहे हो? सच में लाल टोपी लगा ली उसपे। लाल टोपी भी अच्छी लग रही है, एक तो ले ही लेना। डीली अच्छी लगेगी। ऐसे तो आप डोला मत दिखा, डीली में डोला दिखे ना बड़ा तो अच्छा लगता है। डोला है नहीं ना लेकिन अभी मैं हमारा देखना है यार। He is handsome, no? You have little short one, छोटी पहनो। नहीं नहीं थोड़ी सी छोटी पहनो। चलो ठीक है छोटी पहनो। ये अच्छी लग रही है यार। हाँ ये टी शर्ट जरूर लेना। हाँ साइज भी अच्छा है, डोला डोले सब कुछ सही आ रहा है ना। स्टारबक्स का एक डुप्लीकेट कॉफी भी हो गया, वो भी हो गया, वियतनाम वियतनाम भी हो गया। अच्छी लग रही है। हाँ हाँ मीडियम ओके ओके मीडियम। सो आई विल टेक दिस वन एंड इससे थोड़ा और कम कराएंगे भाई। ये पहन के देखोगे लाल वाली पहनो। ये वियतनाम का झंडा है ना लाल वाला। हाँ वियतनामीज फ्लैग। ये भाई को ऐसे कपड़े पसंद है। ये रेड टोपी पे और भी अच्छी लग रही है। Do you have more design? तो भाई ये एक टी शर्ट जो है ये बोल रहे हैं 80,000, जो कि होते हैं लगभग 220 रुपया, 220 से 230। और क्वालिटी बहुत अच्छी है तो काफी सस्ते हैं। हाँ अपने इंडिया से क्वालिटी अच्छी है। ये देखो अब आप तो फील नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मेरी मान लो, इनकी नहीं मानते हो तो आप। यू हैव मीडियम? आई वांट ब्लैक वन, ब्लैक मीडियम।
भाई 220 बोल रहे हैं सामने से, हम 5 लेंगे तो 200 में तो कर ही देंगे, और क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये कलर नियॉन अच्छा लगेगा भाई। हाँ मेरे को तो पसंद है भाई ये कलर, कसम से। मेरे पास एक टी शर्ट थी, मैं मेरे पास एक नियॉन में टी शर्ट थी, मैं थाईलैंड में भूल आया। वो सबसे ऊपर थी ना, वो कहाँ गई? छोटी है। नहीं भाई छोटी पहनता हूँ मैं। This is for a... अब ये वाली कैसी लग रही है भाई? ये वाली थोड़ी छोटी है भाई। नहीं तो इतनी छोटी मैं चला लेता हूँ भाई, पहन लेता हूँ। पहन तो लेते हो लेकिन अच्छी नहीं लगेगी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। बाकी ले लो, बाकी 220 की है, पर आप कमेंट करके बताना कि छोटी है या नहीं है। बताना भाई, देखिए पीछे से भी देख लीजिए। हाँ पीछे से भी छोटी है। तो ये भी देखिए, ये भाई हार्ड रॉक कहते साइबॉन, ये भी अच्छी लग रही है। डू यू हैव दिस? आई टेक दिस वन, दिस वन, नो नो नो, दिस वन थ्री, नो नॉट इन ब्लैक। सेंडो Oh, that's expensive. This one is... Yeah, basketball. This one has sleeves and half price. And bhai, tumko play rahe ho? T-shirt? Nahin, main toh t-shirt nahin khareedta bhai sahab. Main sirf souvenir khareedta hoon country se. Nahin, t-shirt main laya raha, zyada nahin. Theek hai. Teen khareed lo, bahut hai. Ek red wali, ek ye, aur ek ye achhi lagi hai. Aur dekhte hain aage kaisi, aage aur achhi lag gayi toh. How much discount you will give? I'm taking 3. YouTube 1, 2, 3. ये बोल रहे हैं 80,000 एक की, तो 2,40,000 हो रहा है ना, तो बोल रहे हैं मैं 10 माइनस कर दूँ 2,30, तो 2,00,000 का दे तो अच्छा है ना भाई। 2,00,000 कितना होता है? 2,07,000 होता है, लगभग 650-600। हाँ 650। नो आई डोंट वांट सी। ओके चलो 2,20,000 दे दो, $1 हुआ, ₹70 और ले लेंगे यार, अब क्या होगा। आई एम नॉट हैंडसम। ओके यू आर ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल? नो, ब्यूटीफुल डजंट मीन यू हैव मोर मनी। आई एम हैंडसम बट आई डोंट हैव मनी, मोर मनी। इट्स ओके, वी कैन ईट एट यू तो भाई ये 3 ले लिए हैं, 2,20,000, 2,20,000 हुए, 700 से कम ही होते हैं, 600 होते हैं लगभग, 600 होते हैं, तो लेके निकलते हैं आगे भी मार्केट में। 1,00,000, 2,00,000 भाई, 1,00,000 की नोट है, 1,00,000, 2,00,000, 100,000 How we say thank you in Vietnam? Kama. 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 Name. Kama. Kup. Yeah. Name. Chan. Chan. ये देखो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ये। What is your name? How. मजाक कर रहे हैं ये YouTuber है इंडिया से, इनके साथ वीडियो बनाओ। Okay. एक सेकंड रुको, फोटो लेते हैं। YouTube. Go. Photo. मुझे बोले कि घुमाएंगे आपको बराबर से। बोले मेरी तरफ से, कोको कोला मेरी तरफ से। C90 140,000 में तैयार हो गए, 140,000 में तैयार हो गए। ठीक है दे दो, दे दो। ये थे 3,50,000 से, 140,000 है। 2,00,000 की नोट दिया, 140,000 ना। यू गिव 1,00,000, आई विल ड्रिंक कोको कोला फ्रॉम योर साइड, वी विल ड्रिंक कोको कोला फ्रॉम योर साइड। तो 140,000 में डील हो गई है भाई। 90 यहाँ भाई, टी शर्ट तो पूरी ले लिया, और यहाँ सुवेनियर की शॉप भी बहुत सारी है, आप देख सकते हो, हर चीज मिलेगी आपको, जो चाहिए हर चीज मिलेगी यहाँ। लड़की हुआ ये, और ये देखिए, आपको सिगार पीना है तो इसमें डाल के वो तंबाकू भर के पी सकते हो, और बहुत सारे ये देख सकते हो डॉल। हिलते हैं क्या भाई? और ये नहीं, हिलते नहीं। कैप है, ये वियतनाम की निशानी है, हर जो फार्मर रहते हैं वो ये पहनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज आपको दिखेगी,
मीमी यहाँ देखिए ये कपड़े वाले, ये हमारा टी शर्ट, ये हमारी टी शर्ट है। ऐसे बहुत सारे सुवेनियर के शॉप, ये देखिए भाई ये जो रहते हैं बड़ा सुंदर लगता है घर में, अगर लगाओ ना भाई बड़ा अच्छा लगता है। तो हर्ष भाई जो टी शर्ट नहीं लिए, हर्ष भाई पूरा सुवेनियर खरीदे हैं, हम टी शर्ट लिए हैं। और ऐसी पूरी दुकान आप देख सकते हैं पूरी भरी हुई है सुवेनियर की, चाहिए ये साइड जाओ आप देखिए ये भी पूरा सुवेनियर से भरा हुआ है, और ये तरफ भी। तो हम तो ले लिए थोड़ा सा और आपको दिखाते फिर निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर दिस वियतनामी फ्लैग? हाउ मच? 150,000 दैट्स एक्सपेंसिव, दैट्स अराउंड $7। भाई इसका 1.5 लाख मांग रहे यार, इसका 1.5 लाख मांग रहे हैं। अब झंडे क्या 1.5 लाख मांग रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। दैट्स एक्सपेंसिव, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। 140 ना, दैट्स एक्सपेंसिव। ये झंडा देखो, ये देखो इस झंडे में क्या कपड़ा कपड़ा लगा है। लेकिन हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू है, लेकिन 1.5 लाख का तो सामान है भाई। 1.5 लाख बोल रहे हैं इसका, 1.5 लाख तो बहुत महंगा हो जाएगा। नो इट्स एक्सपेंसिव, 1,50,000 इट्स वेरी मच। 1.5 लाख तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। I'll go and come again later. That's very expensive. That's like around $7-6 per flag. Ah, expensive. तो बड़ा महंगा बोल रहे हैं। So you only 50,000 down? 50,000 में expensive. I'll give you 30,000. 30,000. Okay? Okay. तो 30,000 में भाई 1.5 लाख से हो गए, 30,000 में मान लिए। अर्श भाई? हाँ। 1.5 लाख से 30,000 में आ गए। 30,000 ठीक है ना? ठीक है ले लो। ठीक है ना? 70 रुपये हुए, ठीक है। तो भाई तो भी महंगा है 70 रुपये के हिसाब से, लेकिन ठीक है। अब 1.5 लाख से 90 रुपये हुए? नहीं, 90 नहीं हुए, हाँ 90 लगभग 80 रुपये हुए। तो 1.5 लाख से 30,000 रुपये का तो ठीक है, दे देते हैं पैसा। तो भाई ये कोकोनट शेल वाले जो हैं बर्तन आप देख सकते हो, ये कोकोनट से बना हुआ है। ये बोल रहे हैं 50,000 जो कि होते हैं 150 रुपये, तो थोड़ा सा महंगा है, आगे और सस्ता मिल रहा था। तो 50,000 में दो दे दें तो ठीक है ना भाई। तो हर्ष भाई भी ले लेंगे 50,000 में दो। 50,000 होते हैं 50,000 कितना होता है? 50,000 मान लो 160 होता है। तो 160 में अगर दो दें 80 रुपये का एक, तो काफी ठीक है। डिजाइन भी अच्छी, और ये एकदम ऑर्गेनिक मटेरियल एकदम, और डिजाइन काफी अच्छी अच्छी अंदर बनी हुई है पूरी। 60,000 लगा दे भाई, मना कर रहे हैं भाई। तो भाई हमने ये कोकोनट शेल की एक कटोरी टाइप वो भी ले लिए, दो लिए। हर्ष भाई ने हरी कलर के लिए, मैंने लाल कलर के लिए। हरी वाली दिखाना भाई, हरी वाली। हर्ष भाई ने ऐसे हरी लिए और मैंने लाल लिए। जितना ये 1 लाख बोल रहे थे, फिर 30,000 में दे दिए, तो ठीक है, अच्छी लग रही है। ऑर्गेनिक एकदम, मतलब आप देख सकते हो कोकोनट से डायरेक्ट बनी हुई है, यहाँ डिजाइन है। 30,000 को ठीक है, ठीक प्राइस, ठीक है, और क्या मिलेगा। तो चलते हैं आप बाहर भाई, अब बहुत लेट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख लिए। तो भाई यहाँ फ्रूट जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के, मतलब ऐसे फ्रूट मैं इंडिया में नहीं देखे हैं। जैसे कि अब ये देखिए, ये वाले फ्रूट, ये मतलब इसका नाम क्या है मुझे मालूम ही नहीं भाई। और ये काले कलर का भी है, लाल कलर का भी है, तो बड़े अलग अलग टाइप के फ्रूट भी हैं। तो यहाँ जैक फ्रूट जो कटहल जिसको बोलते हैं, यहाँ देखिए दो कलर का रखा है, एक ऑरेंज और एक येलो। तो हमारे यहाँ तो येलो ही होता है, ये पता नहीं क्या सीन है। और ये देखिए भाई, ये तो मैं 2-3 बार पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन खाया कभी नहीं हूँ, टेस्ट कभी किया नहीं हूँ। तो सारे कुछ फ्रूट भी है सर ये मार्केट में, जैक फ्रूट देखिए काटा है भाई पूरा, ये तरफ आम रखे हुए हैं, और बहुत तरीके तरीके के फ्रूट हैं, और आगे चाय भी है। तो भाई सारी बैंथेन मार्केट दिखाने के बाद हम थोड़ा सा आराम करने बैठे हैं, यहाँ हम पियेंगे कॉफ़ी या फिर जूस। अभी देखेंगे ऑप्शन, आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। तो कॉफ़ी जूस पियेंगे आप, लगभग आपको सारी मार्केट दिखा दिए, सारी चीज़ें बता दिए, रेट बता दिए, मतलब बहुत सारी। आप अगर वियतनाम आओगे तो यहाँ आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको जो चाहिए, हर टाइप की चीज़ है, और हर चीज़ मिलेगी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मिलेगी आपको। तो ये थी कुछ हो ची मिन्ह सिटी की बैंथेन मार्केट, जो कि सबसे मेन मार्केट थी।